वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आदर्श जीवन अभी समस्त जनमानस वैश्विक महामारी के अत्यंत कष्टदायक दौर से गुजर रहा है। इस स्थिति के लिए भौतिक संसाधनों के आकर्षण में भारतीय जीवन शैली से दूर होना प्रमुख कारण है। सर्वप्रथम मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागने की महत्ता बढ़ाने के लिए कहा गया है कि जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस लोक में सो शब्द का अर्थ सो लिया जाना चाहिए, यानी 100% खोना या पाना ही इसका मतलब है। प्रातः काल सूर्य को जल अर्पण गायत्री मंत्र के जप का मतलब ही था कि ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना। ईश्वरीय कृपा का अर्थ सिर्फ पद प्रतिष्ठा या पैसा ही नहीं, बल्कि शरीर और मन को आहत करने वाली शक्तियों से मुकाबला करने का समर्थ पैदा करना है। इसकी कमी से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। अगस्त ऋषि पर भी शत्रु रूपी अतापी नामक देत वायरस ने हमला किया था। ऋषि की हत्या के लिए खाद्य पदार्थ में छुपकर पेट में चला गया। पेट में जाते ऋषि समझ गए और फिर योग शक्ति से उसे पेट में ही मारना शुरू किया। अतापी नामक देत चिल्लाने लगा कि माफ करिए, माफ करिए ऋषि, मुझे प्राण दान दीजिए। इस कथा का आशय है कि प्राण शक्ति मजबूत करने के लिए योग जरूर करना चाहिए तथा हर किसी को इसके लिए समय निकालना चाहिए। योग का मतलब ही शरीर का प्राण वायु ऑक्सीजन के साथ संयोग बैठाना है। शरीर में ही ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना यदि की जाए तो बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति में महामारी के विभत्स रूप को देखते हुए अब समय आ गया है कि हम अपने ऋषियों द्वारा जीने की जो कला बताई गई थी उस ओर तत्काल लौटे। देर रात जागने और सुबह देर तक सोने की आदतों को बदलना होगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण के आहार विहार के उपदेशों को अपनाना होगा। जीवन शैली में इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सात्विक आय से ही जीवन निर्वाह किया जाए, सात्विक आय से ही जीवन निर्वाह किया जाए। आदर्श जीवन जब ही बन पाएगा, जीवन में शक्ति जब ही प्राप्त हो पाएगी। ओम भू ओम भ्वा ओम स्वः ओम मह ओम जल ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वत्र। ओम भूवस्वा तत्सवतु वेड़ियम भर्गो दिवस्सह धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। न तस्य ग्रह पीड़ा शयान चह बंधु धन छह ग्रह यग व्रत गहे लिखित यत्रम त्रिष्टि न यंत्र पीड़ा पपानो न रोगो न चा बंधनम औषध अशेष यगा फल दशमेश दोषोध नाशन कोटि होम पद्धति। राष्ट्र प्रोहित सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार धर्म गुरु यज्ञ का ज्ञान विज्ञान युग ऋषि योगीराज महर्षि बद्री विशाल जी महाराज सनातन धर्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आप भी साथ आए साथ चले, समस्त विश्व राष्ट्र में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करें ताकि समस्त विश्व राष्ट्र
स्वस्थ वा ऊर्जावान हो, स्वस्थ वा ऊर्जावान हो, स्वस्थ वा ऊर्जावान है हो। मानसिक स्वस्थ हो, शारीरिक स्वस्थ हो, अधिभौतिक स्वस्थ हो, अधिदेविक स्वस्थ हो, आध्यात्मिक स्वस्थ हो, पित्त वात कफ से स्वस्थ हो, स्वस्थ व ऊर्जावान हो, स्वस्थ व ऊर्जावान हो। हम राष्ट्र पुरोहित आपको उपदेश कर रहे हैं स्वस्थ जीवन का, आदर्श जीवन का, ऊर्जा रूपांतरित जीवन का, स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। वो प्लांट मौजूद है स्वयं की प्राण वायु में, बस उसको समझना होगा, सही सही उस ज्ञान की ओर जाना होगा। संपर्क करें, जुड़े और जोड़े 9811179477 9811179477 9811179477। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवत् सर्तो मुखम न सिंह भी सड़ भद्र मृत्युम मृत्युम नममहम 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 नममहम। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा इनकी सेवा सुरक्षा रक्षा यही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म।